जी, आपके ग्राम सेबू में ये प्रोग्राम का आरंभ है। बड़े अच्छे अच्छे कलाकार आए हुए हैं आपके सामने, आएंगे। मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूं आपके सामने, आपका बालक हूं। कोई गलती हो तो क्षमा करने की कृपा करें, क्योंकि आपके इस मंच पर वे कलाकार आएंगे जिनकी चरणों की मैं धूल भी नहीं। आइए चलते हैं। कदमखंडी नामक पवित्र स्थान पर हनुमान जी महाराज का बड़ा ही पवित्र मंदिर है। आइए उनके चरणों में दो लाइन चलते हैं। गुरुदेव कैसे पहले भवानी की तर्ज आपके सामने सुनाऊंगा, अच्छी लगे आशीर्वाद की कामना करता हूं। आइए सुनिए। तर्ज क्या कह रही है? जब से प्यार किया है तुमसे, जान के हमरे लाले पड़ गए, गोरे से हम काले। क्या बात है? ये तो रही फिल्मी दुनिया वालों की बात, लेकिन जो कविराज हैं क्या लिख रहे हैं? जब से भजन किया है बाबा, दिल ही दिल में से खिल गए, सारे सुख धरती पे मिल गए, सारे सुख। लेकिन कहा है जब से सारे सुख धरती पे मिल गए, सारे सुख।
सुख धरती पे मिल गए। भवानी की रचना मेरी बहन है जिनका नाम है डॉली शर्मा, उन्होंने की है, उन्होंने अपनी छाप लगाई है। डॉली शर्मा को इस मंच के दिल से सब आशीष मिल गए, सारे सुख धरती पे मिल गए। जोरदार एक बार तालियां बजा दे भाई, जोरदार, बहुत शानदार। कमेटी का आदेश हो तो चलते हैं झिकड़ी की कड़ी की तरफ। प्रसंग मेरा उस समय का है, आज उस पापी दुर्योधन द्वारा पांडवों के लाक्षागृह में आग लगा दी जाती है। मैया कुट्टी और पांचों पांडव बियाबान जंगल में घूम रहे हैं, बिलख रहे हैं। मैया विचार कर रही है, सोच रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है। और देखिए जिगड़ी में सबसे पहले आती है झड़। सुनिए झड़, आज मैया ख्याल कर रही है, सोच कर रही है अपने मन में, आइए कैसे कर रही है। गाना लय सुर ताल का होता है, नारद भक्ति है, उच्च कोटि की कला है। आइए संगीत क्या कहता है। मरो ना मो पे जाए करूं कहां, हाय पिताता रूठो। ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे दादाजी हमारे लिए दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं।
आइए। क्या बात है, मरो ना वो पे जाए करूं कहां, हाय पिता तरुठो विकट बनी के बीच में भाग मेरा पूतो। आइए हम और आप लोग प्रोग्राम कराते हैं इसलिए कि इस समाज में हमारी आने वाली नई पीढ़ी में कुछ सुधार आए। आइए दो बात ज्ञान बिना सत्संग में जाके ज्ञान बिना सत्संग में जाके मुड़ हिलाना ना चाहिए। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ना चाहिए। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना आज वो मैया अपने पांचों पुत्रों की ओर निहार रही है, देख रही है और चौक आ रहा है आपके सामने और चौक की तर्ज आपको खुद ब खुद समझ में आएगी। सुनिए चौक कैसे। तो टप टप आंसू डारे बेरी बनी गया बेरी बने गयो भैया त्यारो और तुम्हें दे दियो देश निकारो। और तुम्हें दे दियो देश निकारो जो की तर्ज आपको खुद ब खुद समझ में आ गई होगी और नहीं आई तो मैं बता देता हूं। एक फिल्म आई थी क्या बात है, पहले फिल्म आई थी नगीना और फिर उसके बाद में फिल्म आई थी निगाहें, उसका एक गाना है आप सभी जानकार हैं। आइए सावन के झूलों ने मुझको बुलाया मैं परदेसी कर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया मैं परदेसी कर